थैंक्स लॉट भाई, भाभी मैं भूल गया था भाई, रिकॉर्डिंग याद करा दिया करो बेटा। तो हमने ये देखा था कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करेंगे वो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि सेलर बायर को गुड्स कैजुअली बेचता है, फ्रिक्वेंटली बेचता है या न्यूमरसली बेचता है। कैजुअली का मतलब होता है वंस इन अ वाइल, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है उससे थोड़ा ज्यादा, और न्यूमरसली का मतलब होता है हर दिन। बट बेटा ये जो मैंने बताया है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, अदरवाइज कैजुअली फ्रीक्वेंटली न्यूमरसली वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना होगा, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना होगा, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। करेक्ट है, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए तो भाई 10 आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, दिस इज इन जनरल। लेकिन हर कोई 10 आवर्स पढ़ाई करके रिजल्ट लाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, देयर इज नो एज सच रूल। करेक्ट है, तो उसी तरह से कैजुअली मतलब वंस इन अ वाइल, फ्रीक्वेंटली मतलब उससे ज्यादा, न्यूमरसली मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब बहुत बार, मतलब बस जो जो भी गुड्स बेचते हैं सेलर, जो भी गुड्स बेचता है वो अप्रूवल पे ही बेचता है, तो मान लो उसे न्यूमरसली कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? न्यूमरसली कहेंगे। कैजुअली मतलब वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ उसे कैजुअली कहेंगे, ट्वाइस वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंटली कहेंगे। एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी कि एक सेलर गुड्स किस तरह से बेचता है, कैजुअली बेचता है, फ्रीक्वेंटली बेचता है, न्यूमरसली बेचता है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैंने कुछ बातों पर डिस्कशन किया था, मान के चलो कि 1 दिसंबर 2019 को 10,000 के गुड्स अप्रूवल पे बेचे, और 45 डेज का टाइम पीरियड था। कितने डेज का टाइम पीरियड था? 45 डेज का टाइम पीरियड था। तो मुझे अप्रूवल पे सेल किए 45 डेज का टाइम पीरियड था, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% ऑन कॉस्ट है। क्या है? 25% ऑन कॉस्ट है। मतलब 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो जब भी कैजुअली गुड्स बेचेंगे तो क्या हम एक एंट्री पास कर देंगे क्या? और बोलो एंट्री क्या आ जाएगी? नहीं, जब भी कैजुअली गुड्स बेचेंगे तो उसको रेगुलर सेल्स की, रेगुलर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर दो, रेगुलर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर दो। तो 1 दिसंबर 2019 को हमने रेगुलर क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कर दी थी, और एंट्री क्या पास की थी बोलो फटाफट? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अग्रीड? इस बात से अग्रीड हो क्या? हाँ सर अग्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, 45 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था, और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड इज एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019 को एंड हो रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 2019 को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, और 19 कंप्लीट हुआ फिर भी अप्रूवल नहीं आया था। अप्रूवल कितने डेज का था? 45 डेज का अप्रूवल था। अप्रूवल कितने दिनों का था? 45 डेज का अप्रूवल था। 31 दिसंबर कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं आया, तो क्या मानोगे? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? करेक्ट है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, तो पहले क्या करेंगे? एंट्री को रिवर्स करेंगे क्या? तो हमने 31 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया? एंट्री रिवर्स कर दी। एंट्री क्या कर दी? रिवर्स कर दी। तो रिवर्स करेंगे तो क्या ऊपर वाली एंट्री कैंसिल हो जाएगी क्या? आपकी ऊपर वाली एंट्री क्या होगी? कैंसिल होगी। लेकिन मुझे बताओ अभी भी स्टॉक किसके पास है बेटा? ये कंसाइनमेंट जैसा हो गया, अभी भी स्टॉक किसके पास है? स्टॉक तो बायर के पास है ना, लेकिन उसकी ओनरशिप उसके पास है कि सिर्फ पोजीशन उसके पास है? उसकी सिर्फ ओनरशिप नहीं, उसके पास उसका पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ सर, एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एंट्री क्या रहेगी? नहीं नहीं एंट्री पास करोगे तो जो बायर के पास जो गुड्स है, आपको नहीं लगता है वो जो गुड्स है वो तो सेलिंग प्राइस पे है? 10,000 कौन सी प्राइस थी? सेलिंग प्राइस पे थी। और सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट इंक्लूड था? सेलिंग प्राइस पे 2,000 का प्रॉफिट क्या था? इंक्लूड था। तो 10,000 में से अगर 2,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 8,000। तो 10,000 में से अगर 2,000 माइनस किया तो 8,000 जो बचेगा, ये कौन सी प्राइस है? ये तो बेटा कॉस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पे वैल्यू करते हैं? हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो बताओ 8,000 और 10,000, ये दोनों में से कौन सी प्राइस पे वैल्यू होगा? 8,000 पे वैल्यू होगा। तो ये कौन सी प्राइस पे वैल्यू होगा? 8,000 पे वैल्यू होगा, विच एवर इज लोअर। तो मुझे बताओ ये सिचुएशन में उसकी जनरल एंट्री भी तो पास करनी होगी। तो आप जो भी क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे उसके नीचे लिखना होगा बाय स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। तो बाय स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, क्या उसकी जनरल एंट्री भी पास होगी? क्या उसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी? स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री भी आएगी बेटा। ये बात सबको समझ में आ गई कि बेटा यहाँ पे बेटा यहाँ तक का कुछ डिस्कशन हुआ था हमारा, आज हम क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन क्या हो, क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। बताओ डिस्कशन क्या करेंगे?
क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 10, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड करो बेटा, रीड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो बेटा, मैंने अभी यहाँ पीडीएफ शेयर किया बेटा आपके साथ, उसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10 भी है, रीड करो फटाफट एक बार। ओके बताओ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट क्वेश्चन सेज दैट। बेटा ये थोड़ा है ना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अभी देखो बराबर है क्या आवाज। एंड कंपनी सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू अ फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब भी गुड्स अप्रूवल पे जाता है और वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, उसका मतलब गुड्स कैजुअली बिक रहा है। किस तरह से सेल हो रहा है, कैजुअली सोल्ड आउट हो रहा है। ऑन 31st March 2017 द सन्डी डेटर्स बैलेंस स्टूड एट 1 lakh rupees। 31st March 2017 को जो सन्डी डेटर्स का बैलेंस था, 31st March 2017 को जो सन्डी डेटर्स का जो बैलेंस था वो कितना था, 1 lakh rupees। मतलब सन्डी डेटर्स, बताओ सन्डी डेटर्स एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, डेटर्स एसेट्स है कि लाइबिलिटी है बेटा, फटाफट बताओ। डेटर्स एसेट्स है ना, और एसेट्स का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है बेटा। विच इंक्लूडेड 7000 गुड्स ऑन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये 1 lakh में 7000 के गुड्स ऐसे गुड्स थे जिसका इंटीमेशन अभी भी बिजनेस को मिला नहीं है, बिजनेस को मिला नहीं है। द गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी गुड्स ट्रांसफर हुआ था वो कितने परसेंट पे ट्रांसफर हुआ था, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। वाज सेंड टू मिस्टर एक्स ₹4000 एंड बाय मिस्टर 3000। मतलब 7000 के गुड्स में से एक्स को जो गुड्स ट्रांसफर किए थे वो कितनी वैल्यू के गुड्स ट्रांसफर किए थे, 4000। और जो वाई को गुड्स ट्रांसफर किए थे वो कितनी वैल्यू के गुड्स ट्रांसफर किए थे, 3000। आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये जो प्राइस होगी ये कौन सी प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी कि सेलिंग प्राइस होगी, ये जो प्राइस होगी ये कौन सी प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी कि सेलिंग प्राइस होगी। अरे जब बेटा सेलर बायर को गुड्स बेच रहा है, करेक्ट है, तो कौन सी प्राइस पे बेचेगा, कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा कि सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस पे तो बेचेगा ना यहाँ पे। बाकी सब बच्चे भी आंसर करें, बाकी सब बच्चे हवा कहाँ रहे, दर्शना कहाँ पे, आयुष कहाँ पे, प्रणव कहाँ पर है, नलायक साक्षी कहां पर है, यशिता कहां पर है, अनुष्का कहां पर है, वैभव वाडकर कहां पर है, शुभम शिंदे, ठीक है। तो मुझे बताओ 4000 के गुड्स नहीं, टोटल मिला के कितने गुड्स गए थे, 4000 के गुड्स गए थे एक्स को और 3000 गुड्स किसको ट्रांसफर किए थे, वाई को। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th April एंड मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स ऑन 10th April 2017। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो समझ में आएगा कुछ। Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet on 31st March 2017. Show also the entries to be made during April 2015. Value of closing stock as on 31st March was ₹60,000. बेटा accounting year end हो रहा है, पूरा question ध्यान से एक बार समझो।
अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? अकाउंटिंग ईयर इज एंडिंग ऑन 31st मार्च 2017, करेक्ट है? इस पर्टिकुलर डेट पे 1 लाख के डेटर्स थे, कितने के डेटर्स थे? 1 लाख के डेटर्स थे। ये 1 लाख के डेटर्स में 7,000 के डेटर्स ऐसे डेटर्स थे जो अप्रूवल पे गए थे। किस पे गए थे? जो गुड सेल कैसे हुए थे? दर्शना बोल रही है कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। अब देखो आवाज आ रही बराबर से। मुझे बताओ ये 1 लाख के डेटर्स में क्या 4,000 के गुड्स क्या एक्स को ट्रांसफर किए थे और 3,000 के गुड्स किसको ट्रांसफर किए थे? वाई को ट्रांसफर किए थे। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। बताओ इसमें प्रॉफिट कितना होगा बेटा? ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट हमारा 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट कितना होगा? क्या 20% ऑन सेलिंग प्राइस क्या प्रॉफिट होगा क्या? करेक्ट है ना। तो बताओ 4,000 का 20% कितना होता है? 4,000 का 20% होता है 800 रुपीज, और इसमें से अगर 800 रुपीज माइनस कर दिया तो बताओ कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3,200 रुपीज। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3,000 का 20% कितना होता है? 600 रुपीज होता है। कितना होता है? 600 रुपीज होता है। 3,000 में से 600 माइनस करोगे तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 2,400। बताओ ये 2,400 को कौन सी प्राइस कहेंगे? क्या कॉस्ट प्राइस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर, इसे हम कौन सी प्राइस कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या बेटा आपको यहाँ पे? नहीं सर, आगे बढ़ो। अब बताओ 31st मार्च 2017 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, बताओ एंड हो रहा है, और मिस्टर एक्स ने इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन दिया था एक्सेप्टेंस का, कब दिया था? 30th अप्रैल को। मतलब मिस्टर एक्स से जो इंटीमेशन आई थी वो 30th अप्रैल को आई थी। तो पहले तो मुझे बताओ आपको नहीं लगता है 31st मार्च को एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, हाँ या ना? 31st मार्च को एंट्री को रिवर्स करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? सर ये क्वेश्चन में आपने होमवर्क के लिए दिया था, मैं वही तो कह रहा था कि मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, बच्चे बोल रहे 5 ही क्वेश्चंस दिए थे। ये सेम क्वेश्चंस तो नहीं दिया होगा दर्शना, अगर मैंने 5 ही क्वेश्चंस दिए हुए तो बेटा। दैट्स व्हाट आई थॉट कि मैंने आपको टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस दिए हैं, बट बच्चों ने मना किया था। ठीक है ना, अभी दिया है तो वापस एक बार एक्सप्लेनेशन ले लो ना, क्या दिक्कत है? 1, 2, 8, 9, 10 ऐसा आया था क्या? चलो ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस, हाँ चलो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, नॉट एन इश्यू, दैट्स फाइन, नॉट एन इश्यू। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, कोई इश्यू नहीं बेटा। तो पहले मुझे बताओ क्या हम लोग एंट्री रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे 31st मार्च को, हाँ या ना? मैं आंसर करना, हम लोग एंट्री रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे 31st मार्च को? हाँ रिवर्स करेंगे। तो कितनी वैल्यू से रिवर्स करेंगे? 7,000 से रिवर्स करेंगे। तो बोलो एंट्री क्या आएगी फास्ट इसकी? मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं, तो चलेगा ना आपको? आई एक्सप्लेन ओनली, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो बताओ रिवर्स करेंगे तो बोला एंट्री क्या आएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 7,000 7,000। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मुझे बताओ एंट्री तो रिवर्स कर दी, एंट्री रिवर्स करने का लॉजिक क्या था? अगर एंट्री को रिवर्स नहीं किया होता दोस्तों तो क्या हो जाता? हम गलती से, अगर एंट्री रिवर्स नहीं हुई होती तो सेल्स कहां पे चला जाता? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। अगर सेल्स को अगर हमने एंट्री को रिवर्स नहीं किया होता तो सेल्स इनकम ट्रीट होके वो कहां पे ट्रांसफर हो जाता? ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता। तो मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता तो इससे आपको नहीं लगता है कि अननेसेसरी इनकम इंक्रीज हो जाती? इसीलिए पहले एंट्री को रिवर्स कर दिया और एंट्री क्या पास कर दी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन बेटा स्टॉक जो बायर के पास था वो तो उसका पोजीशन था, उसकी ओनरशिप तो अभी भी किसकी है? सेलर की है। तो बताओ ये स्टॉक को सेलर रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन कौन सी प्राइस पे रिकॉग्नाइज करेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो बताओ मिस्टर एक्स के पास जो स्टॉक था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3,200 है। वाई के पास जो स्टॉक था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,400 है। अगर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 5,600 हो जाएगी। बोलो एंट्री क्या आएगी? बोलो एंट्री क्या आएगी? बोलो एंट्री क्या आएगी फास्ट? स्टॉक विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। मैंने समझाया था लास्ट टाइम बेटा यहां पे ये। अब बताओ 30th अप्रैल को
हुआ क्या, जरा ध्यान से पढ़ना, मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल 2017. मिस्टर वाई ने गुड्स रिटर्न कर दिए. अब रिटर्न किए तो उसकी कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है. गुड्स अगर रिटर्न कर रहा है तो उसकी कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि गुड्स ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है. नहीं, आई वुड सॉरी, एंट्री ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है तो वापस रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मुझे बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने इंटीमेशन दिया, कब इंटीमेशन दिया, 30th अप्रैल को, तो आपको नहीं लगता है 30th अप्रैल को सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी. तो 30th अप्रैल को देखो, आपके सॉल्यूशन में देख लो, क्या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री पास की है कि नहीं की है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है. आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, आपको कोई फुल फ्लेज्ड बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन देना है. तो बताओ डेटर्स कितना लिखोगे? 31st मार्च 2017 को डेटर्स लिखोगे तो बताओ डेटर्स की वैल्यू, ऐसे तो 1 लाख रुपीज दी है. कितनी दी है? 1 लाख रुपीज दी है. लेकिन क्या हमने 7000 से एंट्री को रिवर्स किया था? 7000 से एंट्री को क्या किया था? रिवर्स किया था. 7000 से एंट्री को रिवर्स किया था. तो मुझे तो 7000 से अगर एंट्री को रिवर्स किया होगा तो आप बैलेंस शीट पे डेटर्स कितने के लिखोगे? 1 लाख के लिखोगे कि 1 लाख माइनस 7000 93000 के लिखोगे? आप बैलेंस शीट पे जो डेटर्स लिखोगे वो 1 लाख के लिखोगे कि 1 लाख माइनस 7000 93000 के लिखोगे? करेक्ट है. अब बताओ आपके पास स्टॉक कितना है 31st मार्च 2017 को? 60000 का स्टॉक है. ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देके रखी है. तो क्या ये स्टॉक में के बाकी का स्टॉक, कौन सा स्टॉक ऐड करोगे? जो अभी भी बायर के पास जो स्टॉक था 5600 की कॉस्ट प्राइस का, क्या वो ऐड करोगे कि नहीं करोगे? और टोटल मिला के स्टॉक कितना लिखोगे? 65600. समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे. फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको. मुझे लग रहा है वैसा ही क्वेश्चन है. कोई कंफ्यूजन है क्या अभी उसमें? बोलो हाँ ना. दर्शन होमवर्क नाइन वाला होमवर्क था ना? नाइन्थ वाला चेक कर लो एक बार, क्लियर है? ओके. 8th वाला देख लो. Sir, I didn't get why we didn't pass goods returned by buyer की entry. कौन से क्वेश्चन में प्रणव? अभी उसने बोला. प्रणव को मैं कितने टाइम से बुला रहा हूँ भाई, रिप्लाई कर, रिप्लाई कर. प्रणव मुझे बता, क्या हम 31st मार्च 2017 को, ये 31st मार्च 2017 है करेक्ट प्रणव, क्या हम यहां पे गुड्स रिटर्न, मतलब यहां पे क्या हम एंट्री रिवर्स कर चुके थे? यहां पे एंट्री रिवर्स कर चुके थे ना, और गुड्स रिटर्न हुए, बताओ गुड्स रिटर्न हुए तो क्या वापस उसकी एंट्री पास करेंगे क्या? ऐसा नहीं समझा प्रणव, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, रुक जा. मान के चल 1st मार्च को गुड्स बेचे, ठीक है करेक्ट, और इसका अप्रूवल पीरियड था 40 डेज का. कितने दिन का था? 40 डेज का. तो बताओ अप्रूवल कब आने वाला है? और 31st मार्च 2017 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, और अप्रूवल पीरियड दिया था 40 डेज का. कितने दिन का दिया था? 40 डेज. तो मुझे बताओ अप्रूवल पीरियड क्या नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आएगा क्या? प्रणव हाना बोलेगा, ठीक है. 10,000 के गुड्स इस पर्टिकुलर डेट पे अप्रूवल पे बेचे थे. कैसे बेचे थे उसको? अप्रूवल पे बेचे थे. अग्रीड प्रणव, ये गुड्स बेचे करेक्ट है. अब मुझे बता 31st मार्च 2017 तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो प्रणव क्या करेंगे? जब गुड्स यहां पे बेचे होंगे तो क्या एंट्री पास की होगी? क्या एंट्री पास की होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से किया होगा? 10,000 रुपीज. बोल प्रणव हाँ या ना.
हाँ सर, ये एंट्री पास की होगी, जरा हाँ बोलेगा तो समझ में आएगा इंसान को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुझे। अब मुझे बता प्रणव, 31 मार्च तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, ठीक है? तो 31 मार्च को तू क्या करेगा? क्या तुझे नहीं लगता है तू एंट्री को रिवर्स कर देगा? हाँ सर, हम एंट्री रिवर्स करेंगे। तो एंट्री रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000, 10,000। इसमें कोई दिक्कत है प्रणव? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसने यहां पे आके उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो बेसिकली गुड्स रिटर्न की एंट्री तो यही होती है ना कि एंट्री को रिवर्स कर दो। लेकिन हम ऑलरेडी एंट्री रिवर्स कर चुके हैं, तो प्रणव क्या हम एंट्री वापस रिवर्स करेंगे? ओके, हाँ, रिटर्न ऑफ गुड्स कम शुड कम अंडर बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक में आना, रिटर्न्स ऑफ रिटर्न गुड्स शुड कम इन क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, वो तो करेक्ट है। लेकिन मैं प्रणव के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, प्रणव ऑलरेडी एंट्री रिवर्स हो गई है, तो क्या मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता, क्या गुड्स जब रिटर्न होगा तो क्या वापस एंट्री रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर प्रणव, मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो हाँ बोल, नहीं समझ तो वापस क्वेश्चन पूछ, तो रिप्लाई करता हूँ। Pranav, if you understood, then you tell me yes. If you didn't, then you ask me questions so I can give you response. भाई प्रणव, तू इतना क्या सोच रहा है? डाउट है तो पूछ। तुझे अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं और तेरे से बात करके तुझे डांटता हूं। बहुत दिनों से किसी को डांटा नहीं है मैंने, तो ऐसा लग रहा है किसी को डांटना चाहिए। फिर मैं आयुष को डांटूंगा, ठीक है, तुझे डांटने के बाद। पता नहीं ये अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी अनम्यूट होता है। हाँ प्रणव, तू अनम्यूट है, बोल, रिस्पॉन्स कर। नाउ प्रणव इज अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही प्रणव? हितेश भी अनम्यूट है। हितेश, कैन यू स्पीक समथिंग? बच्चे बोल क्यों नहीं पा रहे, आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों की? मुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ मैंने अनम्यूट तो किया यहां से हितेश भी। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है यार, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। चलो एनीवे, समथिंग इज रॉन्ग। क्यों पानी क्यों जाए? डायरेक्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लोगे, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आप देख लोगे, अगर कल कोई डाउट है तो कल मुझे पूछोगे, मैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट नया सिखा देता हूँ बेटा आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग डिफरेंट, कुछ न्यू बताता हूँ। मुझे बताओ बेटा, अय्या आपको पता है कि आपको मेरे साथ साथ लिखना भी है, ठीक है, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर। लेजर्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, लेजर्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू
कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक. लेट्स को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं. किसमें सब डिवाइड करते हैं? कैश बुक में एंड सब्सिडरी बुक्स में. सब्सिडरी बुक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैं क्या बोल रहा हूँ सार्थक मुंद्रा. मैंने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डिवाइडेड एज जर्नल एंड लेजर्स एंड जर्नल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड एज कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स. मैंने ऐसा ही बोला था कि मैंने कुछ गलत बोला था? ठीक है, तो जर्नल होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? जर्नल होना चाहिए. सब्सिडरी बुक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परचेज बुक, सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक. पता परचेज रिटर्न का एक और टर्म क्या होता है? किसी को पता है कि परचेज रिटर्न का एक और टर्म क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड, क्या कहते हैं उसे? रिटर्न आउटवर्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं उसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? रिटर्न आउटवर्ड. सेल्स रिटर्न बुक को, सेल्स रिटर्न का एक और टर्म क्या होता है पता है क्या बेटा आपको? रिटर्न इनवर्ड. एक और बुक होती है बिल्स रिसीवेबल बुक. एक और बुक होती है बिल्स पेएबल बुक. और एक और बुक होती है जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर इसे ही हम कहते हैं, वी कॉल इट एज जनरल, we call it as general journal. क्या कहते हैं उसे? Now listen me very carefully what I mean to say. बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं? जर्नल को हम कहते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ, क्या कहते बोलो, किसी को पता है क्या? जर्नल को हम कहते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. क्या कहते बेटा उसे? वी कॉल इट एज ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. क्या कहते उसे? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. लिसन यार, मुझे बताओ बिजनेस में सबसे पहले क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं. हम ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो जो बुक में हम एंट्री पास करते हैं उस बुक को हम जर्नल कहते हैं. इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं. जिस बुक में हम एंट्री पास करते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं? जिस बुक में हम एंट्री पास करते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा उसे? हम जर्नल कहते हैं. इसीलिए जर्नल को ही हम कहते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. क्या कहते हैं उसे? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा आपको? नहीं है. अब बताओ कैश बुक जर्नल है. कैश बुक क्या है? जर्नल. लेकिन ये दिखता किसके जैसा है? लेजर्स. क्योंकि जर्नल, ये कैश बुक है जर्नल. आपकी जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में तो रिकॉर्ड होता है. सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होता है? कैशबुक में ही रिकॉर्ड होता है. तो कैशबुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर. मतलब है वो जर्नल लेकिन इट्स फॉर्म इज लाइक लेजर. मतलब उसका दिखता कैसा है? इट्स अपीयरेंस इज लाइक लेजर. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. तो कैशबुक
serves the purpose of journal as well as ledger. ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? हाँ हाँ बोलते हो, चलोगे नलायक को डाइट डांट खाओगे उधर था। मुझे बताओ, मैं आपसे एक बात करता हूँ, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे बच्चे मेरे सामने हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ये एक बुक है, करेक्ट है, ये एक बुक है। जैसे ट्रांजैक्शंस होता है, मैं इस बुक में एंट्री पास करता हूं, बोलो हाँ। जैसे ट्रांजैक्शंस होता है, मैं इस बुक में एंट्री पास करता हूं, बोलो हाँ। ओके, मैं इस बुक में एंट्री पास करता हूं तो इस बुक को क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल। अब बताओ, मान के चलो कि ये 1000 पेजेस की एक बुक है, एक 1000 पेजेस की एक बुक है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वैसे वैसे ये बुक में एंट्री पास करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वैसे वैसे ये बुक में एंट्री पास करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वैसे वैसे हम ये बुक में एंट्री पास करते हैं। इसीलिए बुक का नाम क्या है? जर्नल है। इसीलिए उसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते हैं। अग्रीड। वन मंथ कंप्लीट हुआ और मैंने मेरे मैनेजर को बुलाया, मैंने मेरे अकाउंटेंट को बुलाया और मैंने कहा कि पूरे एक महीने में कितना क्रेडिट सेल्स हुआ है, मुझे ये फाइंड करके बता। मैंने उसे क्या कहा? पूरे वन मंथ में कितना क्रेडिट सेल्स हुआ है, यू प्लीज फाइंड इट एंड लेट मी नो। तो अब मुझे बताओ। अकाउंटेंट ने कहा कि सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तू टाइम ले और मुझे बता। तो अकाउंटेंट ने पूरे दिन की मेहनत के बाद, यू नो, आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, वो हर पेज पे गया, जहां जहां क्रेडिट सेल्स हुआ था वहां वहां हाईलाइट किया, वहां वहां हाईलाइट किया, वहां वहां हाईलाइट किया, और उसने पूरे दिन की मेहनत के बाद मुझे ये बताया कि सर पूरे महीने में इतना क्रेडिट सेल्स हुआ है। फिर मैंने कहा तो मुझे क्रेडिट परचेज बता कि पूरे मंथ में कितना क्रेडिट परचेज हुआ है। हाँ देखो, डिफिकल्ट है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कोई कुछ बोले। बेटा अगर ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता है? ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो इनकन्वीनियंट हो रहा है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो उसके लिए तो ठीक है। मैंने कहा एक ही बुक है, ऐसी तो हजारों बुक हो सकती है। कोई बड़ा बिजनेस होगा तो उसकी तो हजारों जर्नल हो सकती है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर एक ही बुक में सारी एंट्रीज पास करेंगे दोस्तों, एक ही बुक में सारी एंट्री पास करेंगे दोस्तों, तो डोंट यू थिंक दैट ये बल्कि बन जाएगा, ये वॉल्यूमनस बन जाएगा, ये बल्कि बन जाएगा, ये वॉल्यूमनस बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, आपको नहीं लगता है ये बल्कि बन जाएगा? और कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, ये जेन्युइनली डिफिकल्ट बन जाएगा। करेक्ट है, अकाउंटेंट जॉब छोड़ देगा। सार्थक मुंद्रा कह रहा है कि अकाउंटेंट जॉब छोड़ देगा। यू आर करेक्ट सार्थक मुंद्रा, अकाउंटेंट जॉब छोड़ देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बेटा, मैं यही बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एक ही बुक में सारी एंट्रीज पास करना गलत नहीं है, लेकिन इनकन्वीनियंट है, क्योंकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में टाइम बहुत जाएगा, टाइम के साथ पैसा भी तो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट को सैलरी मिलती है ना। तो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व होने की सैलरी देनी पड़ेगी, इसीलिए टाइम भी जाएगा पैसा भी जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जर्नल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक। किसमें डिवाइड किया गया? कैश बुक में डिवाइड किया गया। दोस्तों ये मेरी बात आपको बराबर से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा? जर्नल आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक भी जर्नल है लेकिन दिखता किसके जैसा है? लेजर्स है। अब कैश बुक क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और किसी ने बोला कि सर समझा दो तो मैं उसको डांटूंगा नहीं, मैं साथ साथ में कहां गया, कुछ है क्या डंडा बंडा है क्या, मैं साथ में उसको पीटूंगा भी, ठीक है? तो कैश बुक मैंने आपको BRS में समझा दिया, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जर्नल को सब्सिडरी बुक्स में और कैश बुक में फर्दर सब डिवाइड किया गया। सब्सिडरी बुक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड एज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, एंड जर्नल प्रॉपर, जनरल जर्नल। सर समझानी है बेटा, परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्या रिकॉर्ड करेंगे बोलो?
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब जितने भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज होते हैं वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सॉरी, परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स. सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स. बीआर बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बीआर ड्रॉन. क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो बिल हमने ड्रॉ किया है वो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक में. बिल्स पेबल बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स एक्सेप्टेड. जो भी हम बिल्स एक्सेप्ट करेंगे वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सर, जर्नल जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है. ये पूरा कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ये पूरा कहां पे रिकॉर्ड होगा? वो सब कहां पे रिकॉर्ड होगा जो यहां कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. कैश बुक से लेके परचेज बुक से लेके सेल्स बुक से लेके परचेज रिटर्न से लेके सेल्स रिटर्न से लेके बीआर से लेके बिल्स पेबल से लेके कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो कहां पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है. उसे क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं. मेरी बात तुरंत समझ में नहीं आएगी लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा. मैंने एक बुक बना दी, ये बुक का नाम दे दिया परचेज बुक. बताओ उसमें क्या रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. मैंने एक और बुक बना दी, इसका नाम दे दिया सेल्स बुक. बताओ क्या नाम दे दिया? सेल्स बुक. इसमें क्या रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. क्या रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. दोस्तों मेरी बात को समझो और आंसर करो. मैंने एक फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया, फटाफट बोलोगे कहां रिकॉर्ड करूंगा? मैंने एक फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया, बोलो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? फटाफट. मैंने फर्नीचर को क्रेडिट पे परचेस किया, बोलो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? फास्ट. वेरी गुड. बोलो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? परचेस बुक. वेरी वेरी गुड. ओके. मैंने एक मशीनरी को क्रेडिट पे सेल्स किया, बोलो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? मैंने एक मशीनरी को क्रेडिट पे सेल्स किया, बोलो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? वेरी वेरी गुड. वंडरफुल. वेरी गुड बच्चों. मुझे बताओ मेरे पास ये क्या है? बोलो ये क्या है बेटा, फटाफट बोलो ना, ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? मैंने बताया ना आपको, ये क्या है बेटा? आयुष ने बोला मार्कर. बेटा ये मार्कर नहीं है, ये डंडा है और इससे मैं तुझे मारूंगा. बोल हां आयुष, जल्दी बोल, फटाफट हां बोल. एक प्रणव ने ना बोला, हितस्वी ने ना बोला, बाकी सब नलायक, बाकी सब नलायक. बोलो मैंने क्या बोला? परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. तो नलायक हो क्या? आपको मशीनरी फर्नीचर गुड्स समझ में आता है क्या? मशीनरी को गुड्स बोलोगे क्या? सार्थक ने बोला हाइलाइटर. भाई ये हाइलाइटर नहीं है सार्थक, ये डंडा पड़ेगा तेरे को, तूने भी गलत आंसर दिया था. गुड्स का मतलब क्या होता है? क्यों खोपड़ी खराब कर रहे हो मेरी? रात को 10 बज गए. कितने बजे? 10 बज गए ना. सोने के टाइम पे दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? गुड्स का मतलब क्या होता है बताओ? मशीनरी क्या है? बोलो गुड्स. फर्नीचर क्या है? बोलो गुड्स. ब्लेंडेड बिल्डिंग क्या है? बोलो गुड्स. नहीं, गुड्स बोलो ना बेटा. शुभम शिंदे ने बोला एसेट है, वैभव वाडकर ने बोला एसेट है, हितेश ने बोला एसेट है, अनुष्का धनुष्का ने बोला एसेट है. ओके. जब तक मैं आपको डांटता नहीं हूं तब तक आपके करेक्ट आंसर नहीं आते. गुड्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स विच हैज बीन परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स इन. जिसमें बिजनेस डील करता है उसे क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? गुड्स कहते हैं. अग्रीड? तो बताओ परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? फटाफट बोलोगे परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. करेक्ट है हितेश, यू आर राइट. हितेश तेरे को सब कुछ आता ही है बेटा, हितेश को समझाने की जरूरत नहीं है बेटा. परचेज बुक में क्या, परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स. गुड्स 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 गुड्स.
आयुष बोल रहा है ओके सर समझ में आ गया, अब दिमाग मत खराब करो आगे बढ़ो। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। बीआर बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? बीआर ड्रॉन। याद करो ट्वेल्थ को, क्या बिल ड्रॉ करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर करते थे। बिल्स पेबल बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? बिल्स पेबल ऑफ गुड्स। बताओ ये क्या है? आयुष वापस बोलिए क्या है बेटा? आयुष मैंने क्वेश्चन पूछा, बोलिए क्या है बेटा? मिस्टर यूके ये क्या है बेटा? देखो डर गया बेचारा, ये गुड्स दिख रहा है क्या तेरे को नलायक? ये तो हाइलाइटर है, ये तो मार्कर है बेवकूफ इंसान, ये तेरे को गुड्स दिख रहा है क्या? हाँ उससे बोला डंडा है सर। हाँ इधर से बोलिए स्टेशनरी है, नलायक हो। ओके तो बात समझ में आई क्या आपको कि कौन सी बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? अब बताओ क्या ये डिविजन अब कन्वीनियंट हो गया, लॉजिकल हो गया? अब हमें क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम परचेज बुक से लेकर निकाल सकते हैं क्या? क्या अगर हमें अब क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कौन सी बुक से मिल जाएगी? सेल्स बुक से मिल जाएगी क्या? क्या हमें परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन चाहिए? बेटा एक बात याद रखना, जब भी पूरे अकाउंट्स में कहीं पे भी परचेज या सेल्स वर्ड आया, सीए फाइनल तक याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह परचेज या सेल्स वर्ड आया तो ये ऑलवेज गुड्स का परचेज या गुड्स का सेल्स होता है। अग्रीड? परचेज बाय डिफॉल्ट गुड्स का होगा, सेल्स बाय डिफॉल्ट किसका होगा? गुड्स का होगा। अगर मशीनरी का, लैंड एंड बिल्डिंग का, अगर फर्नीचर का सेल्स है या परचेज है तो स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी। अग्रीड? डाउट या कंफ्यूजन? सबको समझ में आया क्या? अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मुझे सिर्फ दो चार बातें बतानी थी। अभी मैंने जर्नल प्रॉपर बराबर से नहीं बताया है, वो मैं कब बताऊंगा? जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सार्थक बोल रहा है एकदम क्लियर, ओके। शुभम सिंधे बोल रहा है एकदम क्लियर, वेरी वेरी गुड। मुझे आप बच्चों से थोड़ी बातचीत करनी थी लेकिन पता नहीं ये अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करता हूं वापस एक बार अनम्यूट करने की। चेक करो अनम्यूट हुआ क्या, चेक करो अनम्यूट हुआ क्या बेटा। अनम्यूट नहीं हो रहा है यहां पे, तो बता रहा है कि अनम्यूट हो गया लेकिन अनम्यूट नहीं हुआ है। मैंने सबको किया लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा है। इट शोज द मैसेज कि ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूट, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। ओके Oh well, that's fine. चलो मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए काफी है बेटा, बहुत रात हो चुकी है।